कहा जा रहा है कि सपना के घर से एक किताब मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये किताब कुछ अजीबोगरीब है देखने में, क्योंकि हमने सुना था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कुछ मतलब अननेचुरल पावर होता है। जैसे कि आपको ही पता है, जैसे घर में होता है वास्तुशास्त्र हम जैसे मानते हैं, तो कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो हम जाने अनजाने में अपने घर में उठा के लेके आते हैं, जिस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है इतनी कि वो हमें कितना ज़्यादा हार्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है सपना चौधरी के घर में कुछ एक ऐसी किताब है कि जो किताब बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब दिखती है। दिया दोस्तों, शायद सपना के घर में जो हादसे हुए हैं इन सब के पीछे वही किताब जिम्मेदार है, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से राजवीर चौधरी के डेथ के बाद उनके केस में इतने सारे टर्न आए हैं, कभी कुछ पता चल जाता है, कभी कुछ पता चल जाता है, और पुलिस भी बहुत ज़्यादा चकरा गई है कि पहला ऐसा हत्या हुई होगी कि जिसमें बहुत ज़्यादा बातें सामने आ रही है, तो अजीब सी लग रही है कि मतलब क्या है, हो सकता है क्या हुआ होगा उस दिन रात को। क्योंकि दोस्तों जंगल में जिस हिसाब से चीज़ें मिली, जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि उस दिन वो कच्चे पक्का रोड छोड़ के कच्चे रास्ते से ही क्यों आए गांव में, मतलब पहले लोग बाग बोल रहे थे कि टैंकर से हुआ, देन बोल रहे हैं कि कार से हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स पहले लोग कुछ अलग बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हैं, केस का एंगल मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसमें घर में कुछ अननेचुरल पावर की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसके वजह से घर वालों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हुआ नहीं इस क्या है, इसलिए वो भी सही से कुछ। दोस्तों कहा जा रहा है कि हिंदू रीति रिवाज में जब विधवा हो जाते हैं तो सारे श्रृंगार उतार दिया जाता है, बट सपना ने पैर की बिछिया, कान के झुमके सब पहन रखे हैं। ऐसे में कुछ लोग सपना को ट्रॉल करते हुए बहुत ही ज़्यादा भद्दी बातें कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोग कह रहे हैं कि देखो इसको तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसको तो बस सजने सवरने की पड़ी हुई है, इसको तो बस चैनल की पड़ी हुई है कि किसने इसका चैनल है बना लिया, किसने इसके वीडियोस चुरा लिए, लोगों को तो सिर्फ ये कहना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सपना के समाज में ऐसी रिवाज है, क्योंकि सपना जाट फैमिली से बिलोंग करती है और हम भी जानते हैं हर सोसाइटी में, हर समाज में एक अलग अलग रूल्स बने हुए होते हैं, तो इनके समाज में कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि जब हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद अगर कम एज होती है तो श्रृंगार पूरी तरीके से नहीं उतारा जाता, क्योंकि अगर बिना कान में अगर हाथ में अगर पैरों में कुछ भी नहीं पहनेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि इनके हस्बैंड नहीं है, तो फिर लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ वाहियत टाइप के समाज में हमारे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं कि अरे इसका तो है ही नहीं, तो ये अकेली होगी, ये तो अबला होगी। इसलिए सपना के घर वाले ने, खासकर सपना के मायके में, उन्होंने उनके एक रिवाज है कि हाथ में चूड़ी और कान में बाली और पहन के रखते हैं। दोस्तों